नमस्कार दोस्तों, मैं बीबी पाटिल, टेक्नो सेवी टीचर सेकेंडरी एंड तंत्र स्नेह शिक्षक माध्यमिक TSTS यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनपूर्वक स्वागत। आज हम देखने जा रहे 10वीं कक्षा विषय हिंदी दूसरी इकाई का पद्य क्रमांक 4 छापा, जिसके कवि ओम प्रकाश आदित्य जी। तो इस कविता का स्वाध्याय, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं पहली कृति की ओर। पहली कृति में हमें संजाल पूरा करना है। ये वस्तु एक खाली थी, यानी इस कविता में वर्णित जो खाली वस्तुएं थी, तो इस बॉक्स में हमें खाली बॉक्स में हमें लिखनी है। चलिए यह हल करते हैं। तो खाली रहने वाली वस्तुएं अलमारी, रसोई की पीपिया, बच्चों के गुल्लक और कंस्तर मटके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरी कृति की ओर। कृति पूर्ण कीजिए। एक कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव और दूसरा शयन कक्ष में पाई गई चीजें। तो पहले हम कवि द्वारा छापा मारों को दिए गए सुझाव देखते हैं। जिसके घर में अधिक धन हो तो लीजिए, और दूसरा सुझाव कवि ने दिया है, जिसके घर में बिल्कुल धन न हो उसे कुछ धन दीजिए। तो दूसरी कृति शयन कक्ष में पाई गई चीजें, फटा हुआ तकिया और टूटी हुई अलमारी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं तीसरी कृति की ओर। कविता के आधार पर जुड़िया मिलाइए। अ कॉलम और ब कॉलम, आ कॉलम इधर दिया है, अ कॉलम में अर्थ सुवर्ण चांदी और आ कॉलम में बालों में चेहरे पर। नई कविता में काव्य कृतियों में ये शब्द दिए, तो इनकी जुड़िया मिलानी है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमने जुड़िया मिलाई है, अर्थ नई कविता में, सुवर्ण काव्य कृतियों में, चांदी बालों में, सफेद बालों में, और मुद्रा चेहरे पर देखो, ऐसा इस कविता से संदर्भ है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं चौथी कृति की ओर। प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन हमें इस खाली बॉक्स में लिखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, एक कृति हल करते हैं। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन, उनका खिला चेहरा मुरझा गया, हृदय में रौद्र की जगह करुणा का रस समा गया, बोले क्षमा कीजिए गलती के लिए, और चौथा असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पांचवी कृति की ओर। ऐसे प्रश्न बनाए हैं जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। एक अरण्यकांड, दो तख्त, तीन असफलता और चार अनाधिकृत। ये चार शब्द उत्तर होने चाहिए ऐसे प्रश्न में बनाने हैं। तो आगे बढ़ते हैं, ये कृति हल करते हैं। पहला शब्द है अरण्यकांड। कवि के घर में क्या देखकर छापा मारने वालों का चेहरा मुरझा गया, इसका उत्तर है अरण्यकांड। दूसरा शब्द है तख्त। कवि छापा मारने वालों से क्या डलवाने के लिए कहते हैं, तो इसका उत्तर है तख्त। कवि के घर छापा मारने वालों को क्या मिली, इसका उत्तर है असफलता। छापा मारने वालों को कवि से किस प्रकार का अर्थ चाहिए, इसका उत्तर है अनाधिकृत। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली कृति सोना चांदी, अर्थ और मुद्रा। इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर इनके अर्थ लिखिए। तो पहला शब्द है सोना, एक मौल्यवान धातु जिससे आभूषण बनाए जाते, पीले रंग का धातु है, गहने बनाए जाते। कविता के आधार पर इसका अर्थ है सोना, यानी नींद में होना। दूसरा शब्द है चांदी, एक धातु जिसे आभूषण बनाए जाते है, ऐसा सफेद रंग का मौल्यवान धातु। कविता के आधार पर इसका अर्थ है सिर के बाल सफेद हो जाना। चौथा शब्द है अर्थ, इसका सामान्य अर्थ है पैसा, संपत्ति यानी धन। तो कविता के आधार पर इसका अर्थ है कविता का मतलब यानी अर्थ। चौथा शब्द है मुद्रा, इसका सामान्य अर्थ है सिक्का या पैसा। तो कविता के आधार पर इसका अर्थ है किसी भाव सूचक मुख की स्थिति यानी मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बढ़ते अगली कृति की ओर। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है, इस विषय पर अपने विचार लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आप भी अपने विचार लिख सकते हैं, या कुछ हमने अपने विचार लिख दिए। कर जमा करना देश के विकास को गति देना, सरकार की आमदनी का प्रमुख स्रोत है कर। कर अमीर लोगों से नौकरी करने वाले और ज्यादा आमदनी पाने वाले लोगों से वसूल किया जाता है। इस कर का इस्तेमाल सरकार राष्ट्र निर्माण के कार्यों में करती है, जैसे सड़क बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल चलाना, देश का संरक्षण, नौकरों की तनख्वाह, ऐसे बहुत से कार्य इस कर की जमा राशि से किए जाते हैं। कर की राशि अगर ज्यादा जमा हो तो उससे ज्यादा विकास और ज्यादा सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इसलिए कहते हैं, कर जमा करना देश के विकास को गति देना जैसा ही है। तो चलिए दोस्तों, इसमें आप भी अपने अनमोल विचार लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं सातवीं कृति। उपयोजित लेखन से संबंधित है, तो हमें उपयोजित लेखन में निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार करना है। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री, तो इसमें पुस्तक के प्रकार, विशेषता, स्थल, स्थिति और समय। तो चलिए ये कृति देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये कृति हम हल करते हैं। किताब प्रेमियों के लिए खुशखबर, ऐसे हमने टैगलाइन दी है। आपके शहर में पुस्तक प्रदर्शन, इधर आप डायग्राम निकल सकते हैं, उसको बैकग्राउंड को आप किस ढांचे में भी लिख सकते हैं। कथा संग्रह, जीवनी, उपन्यास, यात्रा वर्णन, तो इसका कालावधि है 1 से 10 जनवरी तक। स्थल लाइकर हॉल, स्टेशन के सामने कौलापुर। और विशेष जानकारी इसमें हमें देनी है, प्रदर्शन में खरीदी गई किताब पर 15% छूट मिलेगी, तो ऐसा विज्ञापन आप लिख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ गया हो तो हमारा चैनल टेक्नोसेवी टीचर सेकेंडरी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमारा ब्लॉग है राष्ट्रभाषा tsts.blogspot.com आप भेंट कीजिएगा। उधर आपको इसकी PDF मिलेगी और ज्यादा जानकारी भी मिलेगी। फिर एक बार आप सभी को धन्यवाद दोस्तों।